डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर एमपी मंडल, आज मैं इसबगोल की व्यावसायिक खेती एवं उसकी औषधीय उपयोगिता के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसबगोल का इंग्लिश नेम इस्पोजेल सीड्स। इसबगोल जो है ये फारसी नेम से जाना जाता है। इसबगोल की खेती रबी सीजन में की जाती है। यहाँ के जलवायु ठंडा और सूखा हो, इसबगोल एक वर्षीय साग की श्रेणी में आता है। इसके बीजों में प्रोटीन 17-19% तथा पीला तेल इससे पाया जाता है। तेल में सीरम कोलेस्ट्रॉल कम करने की क्षमता होती है। साथ साथ इसबगोल दस्त, पेचिस एवं पेट से संबंधित बीमारी को भी ठीक करता है। इसबगोल कोलेस्ट्रॉल एवं ट्राइग्लिसराइड को भी कम करता है। भारत में बीज का वार्षिक उत्पादन लगभग 13,000 टन एवं भूसी का वार्षिक उत्पादन लगभग 3,200 टन होता है, जिसका 90% उत्पादन विदेशों में निर्यात कर दिया जाता है। भारतवर्ष में औषधीय पौधों से विदेशी मुद्रा अर्जित करने में इसबगोल अग्रणी स्थान रखता है। अब क्या है कि इसका सॉइल कैसा होना चाहिए, तो सॉइल सैंडी लोम एवं फर्टाइल क्ले होना चाहिए, जिसका पीएच 7.2 से 7.9 होना चाहिए। और इसकी खेती किसी भी प्रकार की मिट्टी में की जाती है, लेकिन पानी की निकास सही हो तो सैंडी लोम एवं फर्टाइल क्ले इसकी खेती के लिए उपयुक्त होती है। इसबगोल का की क्लाइमेट कैसा होना चाहिए, सूखा एवं ड्राई होना चाहिए। और इसकी खेती राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एवं गुजरात में की जाती है। अब क्या करते हैं कि इसमें जो है एल्कलॉइड कौन कौन सा पाया जाता है। म्यूसीलेज इसमें म्यूसीलेज पाया जाता है।
इसमें जाइलोज, गैलेक्टोज, एरेबिनोज, ये सब केमिकल कंस्टिट्यूएंट पाया जाता है। अब भूमि की तैयारी आप कैसे करेंगे? ट्रैक्टर से एक गहरी जुताई करते हैं, उसके बाद मिट्टी को भुरभुरा कर देते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं कि उसमें एक पटा चला देते हैं। पटा चलाने के बाद उसमें 6 मीटर छह मीटर और लंबाई 6 मीटर और चौड़ाई 3 मीटर का बड़ी बड़ी क्यारियों बना लेते हैं। इससे क्या होता है कि इससे भी बराबर आवश्यकता अनुसार हम घटा बढ़ा भी सकते हैं क्यारी का, लेकिन पानी का निकास अच्छा हो। और स्टैंडर्ड यही होता है 6 मीटर × 3 मीटर का क्यारी छोटा छोटा बना लेते हैं, जिससे सिंचाई करने में काफी सुविधा होती है। अब इसका जो है इसका बुआई कब करते हैं? इसका बुआई सोइंग कब करते हैं? सोइंग करते हैं आप नवंबर से दिसंबर, नवंबर और दिसंबर में इसकी सिंचाई सोइंग करते हैं। और इसमें क्या करते हैं, इसका छिटकवा विधि से इसमें करते हैं। तो अगर हम छिटकवा विधि से करते हैं तो सीड रेट इसका इसमें कितना लगेगा, सीड कितना लगेगा, 11 से 13 केजी पर हेक्टेयर लगेगा। अब देखिए इस सीड जो है, हम इस सीड को क्या करते हैं, सीड जो इसमें होता है कि इसमें विल्ट, डैम्पिंग ऑफ, लीफ ब्लाइट वगैरह नहीं लगे, तो इसको क्या करते हैं, बेबिस्टिन मतलब 2 ग्राम पर केजी ऑफ सीड। तो 1 केजी सीड में 2 ग्राम बेबिस्टिन डालकर उसको हम ट्रीट कर देते हैं। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको सोइंग करते हैं। तो अगर ट्रीट कर देते हैं तो बीमारी से मेरा प्लांट बच जाता है। वैरायटी अब जैसे इसमें है, GI1 GI2 के गुजरात इसबगोल 1
और गुजरात इसबगोल टू, ये क्या है, पुरानी वैरायटी है। इसको हम इसकी जो खेती जो होती है गुजरात और राजस्थान में बहुत अच्छी होती है, वहाँ के क्लाइमेट के अनुकूल यह अच्छी उपज भी देती है। ये हुआ गुजरात, गुजरात इसबगोल वन और गुजरात इसबगोल टू। अब सीमैप लखनऊ से जो वैरायटी रिलीज हुई है, ये वैरायटी रिलीज हुई है मयूरी, मयूरी। दूसरा वैरायटी रिलीज हुई है निहारिका। यही दो वैरायटी रिलीज हुई। अब क्या करते हैं, इसमें खाद कितना हम डालते हैं, इसबगोल की खेती करने के लिए फर्टिलाइजर कितना डालते हैं, मैन्योर। मैन्योर या एफ वाई एम, पांच से दस टन प्रति हेक्टेयर की दर से हम डालते हैं। तो और देखिए, इसमें मेन्यू जो FIM जो है 5 से 10 टन प्रति हेक्टेयर की दर से हम इसमें डालते हैं। तो इसको क्या करते हैं, इसको मेन्यूर को, और इसका 50% नाइट्रोजन का 50%, जैसे 25 केजी और ये 25 केजी P2O5। ये जिस समय हम खेत की तैयारी करते हैं उसी समय बेसल डोज के रूप में 25 केजी नाइट्रोजन और 25 केजी P2O5 डाल देते हैं और मिट्टी में अच्छी तरह से मिला देते हैं। अब बचा इसमें 25 केजी नाइट्रोजन। तो इस 25 केजी नाइट्रोजन को हम क्या करते हैं, बोने के समय 25 केजी हम डालते हैं और सिंचाई के समय 25 केजी नाइट्रोजन खरीफ फसल में डालते हैं। इसमें टोटल इरिगेशन कितना इसमें पड़ता है, इरिगेशन 4 से 5 इरिगेशन, 4 से 5 इरिगेशन हम इसमें करते हैं। अब देखिए, इसमें इरिगेशन जो करते हैं 4 से 5 इरिगेशन, पहला तो एक इरिगेशन हम कब करते हैं कि जिस समय हम सीड का सोइंग करेंगे उसके पहले ही सिंचाई हम करेंगे। सिंचाई करने के बाद मिट्टी को भुरभुरा बना देते हैं, काफ़ी भुरभुरा बना देते हैं ट्रैक्टर को चला कर, काफ़ी मिट्टी और खाद भी जो भी हम डाले हुए हैं यूरिया और फॉस्फेट, तो वो क्या करता है अच्छी तरह से मिट्टी को पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद उसके बाद हम क्यारी बनाकर 6 मीटर और 3 मीटर का बड़ी बड़ी क्यारी बनाकर उसी में लाइन सोइंग हम करते हैं। तो एक सिंचाई हुआ, उसके बाद दूसरी सिंचाई करते हैं सोइंग के 20 से 25 दिन बाद हम करते हैं दूसरी सिंचाई है। उसके बाद आवश्यकता अनुसार 30 से 70 दिनों पर करते रहते हैं हम सिंचाई, आवश्यकता अनुसार करते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब कि हम 4 से 5 सिंचाई जबरदस्ती कर ही दें, आवश्यकता अनुसार हमको सिंचाई करना पड़ता है। अब देखिए, इसमें जो है
इंटर कल्चरिंग हम करते हैं, फिर इसमें घास जब पौधा तैयार हो जाता है तो काफी घास वगैरह उग जाता है, तो इंटर कल्चरिंग। इंटरकल्चरिंग दो से तीन इंच इंटरकल्चरिंग हम करते हैं, लेकिन निराई गुड़ाई करते हैं। तो जब पौधे 30 से 35 दिन का हो जाता है तो हम एक हैंड होइंग निराई गुड़ाई कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो भी घास है वो घास का कंपटीशन मेरे क्रॉप से नहीं हो, और हैंड होइंग हम जब करते हैं तो क्या होता है कि मेरा कि मिट्टी जो है तो इरेशन काफ़ी होने लगता है मिट्टी में, और इरेशन के चलते मेरा ग्रोथ बहुत अच्छा हो जाता है। इसमें जो है बीमारी जो इसमें लगता है, डैम्पिंग ऑफ की बीमारी लगती है, विल्ट की बीमारी लगती है, डाउनी मिल्ड्यू की बीमारी लगती है, और पाउडरी मिल्ड्यू की बीमारी लगती है, और लीफ ब्लाइट की बीमारी इसमें लगती है। तो बुआई के 30 दिन बाद खड़ी फसल में 2 या 3 छिड़काव हम 15-15 दिन के अंतराल पर डाइथेन M45 2 ग्राम से 2.5 ग्राम प्रति लीटर की दर से पानी में डालकर छिड़काव करते रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो भी बीमारी मेरे क्रॉप में लगता है वो बीमारी ठीक हो जाती है, और जब मेरा पौधा तैयार हो जाता है तो जिस दिन सोइंग करते हैं, सोइंग के 2 महीने के बाद क्या होता है, उसमें फ्लावर आना शुरू हो जाता है और 120 दिन के बाद क्या होता है, हार्वेस्टिंग हम कर लेते हैं। 120 दिन में मतलब 4 महीने का ये क्रॉप है। इसका उपज जो है यील्ड इसमें कितना होगा, 10 से 12 क्विंटल पर हेक्टेयर इसका उपज होगा, सीड का उपज होगा। तो 10 से 12 क्विंटल पर हेक्टेयर इसका उपज होता है। अब देखिए मेडिसिनल यूज में आप लिख लीजिए, पहला तो है कंस्टिपेशन, दूसरा हुआ डायसेंट्री, तीसरा हुआ वेट लॉस, चौथा हुआ हार्ट डिजीज, पाइल्स,
छठा हुआ डायबिटीज, सातवां हुआ डायबिटीज, एसीडीटी, और आठवां हुआ डाइजेशन। यही इसका मेडिसिनल यूज है। अब मेडिसिनल यूज तो आप लिख लिए। आप जैसे है कंस्टिपेशन मीन कब्ज। इसमें हम क्या करते हैं कि इसको जो है पांच से छह घंटा हम इसको पानी में फुलाते हैं। फुलाने के बाद क्या करते हैं कि इसको हम फुलाने के बाद हम रात में सोने के पहले गुनगुने दूध के साथ हम इसको लेते हैं, जिससे क्या होता है कि कब्ज की बीमारी दूर हो जाती है। डायसेंट्री मीन्स पेचिस, इसमें क्या करते हैं कि जैसे चार चम्मच इसबगोल का भूसी हम लेते हैं, उसमें आठ चम्मच ताजा दही उसमें क्या करते हैं मिला देते हैं, और दिन में दो या तीन बार हम लेते हैं तो मेरी पेचिस की बीमारी ठीक हो जाती है। एसिडिटी एसिडिटी जब बीमारी होती है पेट में तो क्या होता है कि पेट में काफी जलन होती है। जलन होती है तो इसबगोल जब हम खाते हैं तो क्या होता है कि पेट में एक सुरक्षा कवच पेट में तैयार हो जाता है, और जिससे कि डाइजेस्टिव एसिड अत्यधिक स्राव होने से रोकता है, और इसबगोल जो है पेट में जो एसिड होता है उसको निष्क्रिय कर देता है। इसको हम कैसे खाएंगे, इसको हम ठंडे पानी के साथ भोजन के बाद लेंगे। जैसे डायबिटीज की बीमारी में हम क्या होता है कि इसमें एक जिलेटिन नामक पदार्थ पाया जाता है, तो जिलेटिन क्या करता है कि जो भी अंदर में जो है पेट या आंत में जो भी गंदगी है उसको क्या करता है एब्जॉर्ब करता है,
एब्जॉर्ब करता है, जिसके चलते क्या होता है कि जो शुगर है उसको शुगर को ब्रेक डाउन नहीं होने देता है, जिसके चलते क्या होता है कि नहीं जब शुगर होता है तो जिसे के जिसके चलते क्या होता है शुगर घटना शुरू हो जाता है। इसको क्या करते हैं हम, इसबगोल रात में हम क्या करते हैं कि इसबगोल सोने के पहले इसबगोल को पानी के साथ लेते हैं और इस तरह की प्रक्रिया करते रहते हैं जब तक मेरा शुगर घट न जाए। इस तरह से आप देखिए इसबगोल का क्या है जो दवाई इसका क्या है, इसका नुकसान भी इससे है कि नुकसान क्या है कि अगर कोई दवाई खा रहा है, टेबलेट वगैरह खा रहा है, तो उस समय इसबगोल को नहीं खाना चाहिए। कहे कि एब्जॉर्ब जो है, जो टेबलेट आप खाते हैं उसको शरीर एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, कहे कि वहां पर इसबगोल क्या होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है, जिसके चलते वहां पर क्या होता है चिपचिपा हो जाता है, जिसके चलते क्या होता है वहां पर टेबलेट जो खाते हैं उसको एब्जॉर्ब नहीं करता है, तो वो टेबलेट फायदा नहीं करेगा। एक दूसरा है कि सूखा इसबगोल नहीं खाएं, उससे क्या होगा पेट में मरोड़ मतलब कि होने की संभावना हो जाती है, पेट में मरोड़ होने की संभावना हो जाती है। उसके बाद मतलब कि जो है एपेंडिसाइटिस, जिसको एपेंडिसाइटिस की बीमारी है उसको इसबगोल नहीं खाना चाहिए। इसबगोल अधिक खाने से एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकता है। इस तरह से मैंने इसबगोल के बारे में पूरी जानकारी दिया और इस पर किसी भी प्रकार की कन्फ्यूजन हो या इस पर कोई भी कहीं पर कोई समझने में अंडरस्टैंडिंग में कमी हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, मैं उसको मतलब कि जो है हम उसको तुरंत मतलब उसका जवाब देंगे, जिससे कि आपकी कन्फ्यूजन दूर हो और आप इसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी हासिल कर सकें। धन्यवाद।